तो आज हम बना रहे हैं बटर गार्लिक मशरूम की रेसिपी, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताई है। तो चलिए इसकी रेसिपी चेक करते हैं। बटर गार्लिक मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 400 ग्राम मशरूम लिया है और इन्हें अच्छी तरह कट करके वॉश कर लिया है। हम इस रेसिपी को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे और बहुत ही जल्द बनाएंगे। तो उसके लिए इसे आज हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे, हाई फ्लेम पे बस एक सीटी देंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमने धो करके मशरूम को कुकर में ले लिया है और इसमें हमने पानी भी ऐड कर दिया है। अब हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा 3/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करें। हल्दी के बाद ये 3/4 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से हम एक मिक्स करेंगे और हम इसे हाई फ्लेम पे बस एक सीटी लगाएंगे। अगर कभी आपको बहुत जल्दी है मशरूम बनाने की तो आप इसे घंटों बॉईल ना करें, बस हाई फ्लेम पे कुकर में एक सीटी लगा दें, हमारा काम हो जाएगा। हमने अपने कुकर को बंद कर दिया है और हम बस अब इसे हाई फ्लेम पे एक सीटी तक पकाएंगे। जब तक हमारे मशरूम्स पक रहे हैं तब तक हम इसकी ग्रेवी बना के तैयार करें। बटर गार्लिक के लिए सबसे पहले हम डालेंगे 3 क्यूब बटर। इसे अच्छी तरह मेल्ट हो जाने देंगे। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल या घी, लेकिन बटर गार्लिक है तो बटर के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करिएगा स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हमारा बटर अच्छी तरह मेल्ट हो गया है तो अब हम उसमें डालेंगे ये लहसुन बारीक कटे हुए। सर्दियों का टाइम है तो अभी हरी लहसुन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो मैंने भी इसमें हरी लहसुन ही इस्तेमाल किया है। इसका गार्लिक वाला पोर्शन और ग्रीन लीव्स अभी हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने ये वाली हरी लहसुन का इस्तेमाल किया है, अभी मैंने ये गार्लिक पोर्शन यूज़ किया है और अभी इसका हम ये स्टेम वाला पार्ट भी यूज़ करेंगे गार्लिक के साथ। अब हम इसका ये ग्रीन वाला पोर्शन भी ऐड कर देंगे। हमें अपने लहसुन को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही रखेंगे ताकि हमें अपनी ग्रेवी में इसका टेस्ट भी मिलता रहे और ये पूरी तरह से कच्चा भी ना रहे। हमारे लहसुन अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। ये मैं एक पूरा कैन ऐड कर रही हूँ। हमें और अदरक या प्याज कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों में हम डालेंगे इसमें 3/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और ये मैं भर के एक टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ चिकन मसाला। ये वेज होता है लेकिन हमारे डिश का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहेंस करेगा। और बहुत थोड़ा सा नमक मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे और जब तक हमारा बटर रिलीज नहीं होता हमारे इस ग्रेवी से, हम तब तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये एक इंस्टेंट लेकिन बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारे ग्रेवी में अच्छी तरह से बटर रिलीज हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मशरूम। हमारा मशरूम अच्छी तरह से बॉईल हो गया है और इसे हमने कुकर से निकाल के पानी से एक बार वॉश कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है हमारे मशरूम में एक अजीब सी स्मेल होती है और हम अगर उसे एक बार वॉश करके ग्रेवी में डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हमने ऐड कर दिया हमारा मशरूम, अब हम इसे मिक्स करेंगे।
अब लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, एक टेबलस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने शुरुआत में कम ऐड किया था तो फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। इसे अच्छा सा एक मिक्स देंगे और थोड़ी देर हम अपने मशरूम को लगभग 5 मिनट इसी ग्रेवी में अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि ये सारा फ्लेवर अब्सॉर्ब कर ले। अब लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला और ये थोड़े से ग्रीन पोर्शन हमारे लहसुन का गार्निशिंग के लिए। इसे मिक्स कर देंगे और हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनने वाली, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और आने वाले वीडियोस के लिए देखते रहिए स्वाद उत्सव। थैंक यू।